बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्तान वालों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुल्तान में नमाजों फजर की नमाज का वक्त क्या है। ये जो फजर की नमाज का वक्त है, ये जून 2023 का है, ठीक है। जून 2023 के महीने में फजर की नमाज का वक्त क्या है, फजर प्रे टाइम फॉर मुल्तान सिटी, ये 1 जून 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक फजर की नमाज का वक्त है मुल्तान सिटी के लिए, ओके। तो इसके बाद ये देखिएगा, ये 1 जून से लेकर 16 जून तक है। फिर ये यहाँ से फजर की नमाज का वक्त और फजर की अजान का वक्त शुरू हो रहा है, और फिर जब तलूफ ताब यानी कि सनराइज होता है, सूरज निकलता है, तो फजर की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है। इसके बाद नमाज इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ये 17 जून से लेकर 30 जून तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें। दोस्तों देखें, ये बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इन चीज़ों के ऊपर। ये देखें, राइटिंग करना, एवरीथिंग, सारा सारा दिन इन चीज़ों पे लग जाता है। अगर इस चैनल पर पहली बार आएँ, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे वह चैनल है जो पूरे पाकिस्तान में नमाज़ों के टाइम टेबल के ऊपर काम कर रहा है, सुल्तानी पॉइंट को। उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चों की दीनी तलीम के लिए कॉन्टैक्ट फॉर ऑनलाइन कुरान एजुकेशन के लिए, आगे गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों को हमसे राबता करिएगा, बच्चों को हमें टाइम देंगे इंशाल्लाह, उन्हें नूरानी कायदा, मदनी कायदा, नाजरा कुरान विद तजवीद, हिफ्ज कुरान विद तजवीद, तफसीरुल कुरान, तरबियत औलाद, इस्लाम की बुनियादी बातें, काफ़ी बेसिक चीज़ें इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें सिखाई जाएंगी। गर्मी की छुट्टियों में आप हमसे राबता करिएगा, ये हमारा नंबर है, इस पर राबता करें, आपके बच्चों को दीनी तलीम दी जाएगी इंशाल्लाह। क्लासेज ऑन जूम एंड व्हाट्सएप पर दी जाएंगी। अगर आप की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चियां, उनके लिए राबता करिएगा, हम आपको दीनी तलीम देंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पर न्यू, इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें।